हाय गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स, हमने किस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे का आपको हमने रिव्यू बताया हुआ है, तो रिव्यू के बाद हम आज इसको अप्लाई करने का आपको डेमो दिखाते हैं, यानी कैसे हम इसको चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, हर तरह के चेहरे के लिए ये सूटेबल है या नहीं है, मतलब ऑयली चेहरे के लिए बना हुआ है यानी, मतलब जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग मतलब इसको हर तरह की स्किन पे यूज करिएगा या नहीं करिएगा, इसे कब यूज करना है, कितने मतलब क्या मेकअप करने के बाद यूज करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का घंटा जो आता है उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसका हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, हमने आपको रिव्यू वाला वीडियो में बताया हुआ है, तो आज हम इसका डेमो आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो पहले देखिए, अगर आप हमें मेकअप करना है तो पहले हम अपना जितना भी मेकअप होता है अप्लाई करने का, जैसे मान लीजिए हम लोग लगाते हैं जो भी मेकअप में हम लोग लगाते हैं, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम, या मतलब जितना भी हम लोग का पहले मेकअप होता है, जो हमें मेकअप करना रहता है, मतलब हम लोग का मान लीजिए चेहरा है, चेहरा में हमें काजल लगाना है, आईब्रो पेंसिल लगाना है, या फाउंडेशन, चेहरे में जितने भी होते हैं, मतलब जितना भी हम लोग का मेकअप होता है, वो सब पहले हम चेहरे में अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। जितना भी सब मेकअप का जो भी है हम लोग को चेहरे में पहले, मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि आप लोग अच्छे से वीडियो में समझ पाएं कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। अगर हम इसे गलत तरह से अप्लाई करेंगे तो हमारे चेहरे पे हो सकता है कुछ इसका साइड इफेक्ट हो जाए, तो ये सब डाउट हम आपको बताएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे हम लेने के बाद इसे यूज करें, तो यूज करने के लिए आप इसे अच्छे से समझे, इस वीडियो को ज्यादा समझ पाए, इसलिए हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि पहले आप जितने भी मेकअप का सामान होता है, जितना भी आप मेकअप यूज करते हैं, वो सब पहले मेकअप यूज कर लीजिए। मेकअप यूज करने के बाद ही हमें इसे यूज करना है, उससे पहले नहीं यूज करना है, नहीं तो हमारे चेहरे पे इसका नुकसान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छा होता है वो नुकसान नहीं होता है, वो नुकसानदेह भी होता है। और अगर किस ब्यूटी का आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये महंगा वाला ही प्रोडक्ट लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, कोई लोकल मत लीजिए, और ये किसी भी शॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा कॉस्मेटिक के। आप बोलिएगा किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे चाहिए तो आपको किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज इसका हम डेमो बताते हैं कि मान लीजिए डेमो बताते हैं तो डेमो बताने का यही है कि कला हाँ, तो ये देखिए, तो हम आपको दिखाए हैं, तो इसके बाद हम चलिए अब आपको बताते हैं कि इसे हमें कैसे अप्लाई करना है चेहरे पे। मान लीजिए हम अपने आपको अपने हाथ पे ही अप्लाई करके बताएंगे, मान लीजिए हम इसी को चेहरा समझेंगे कि ये हमारा चेहरा है, मान लीजिए इसे ये हमारा चेहरा हो गया, तो हम इसे अगर चेहरा अपना मान लिए तो मान लीजिए ये हमारा चेहरा है, तो हम अपने चेहरे पे क्या क्या अप्लाई करते हैं। पहले तो हम अपना चेहरा अच्छे से धोते हैं, धोने के बाद उसके बाद उसमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर प्राइमर अप्लाई करेंगे, प्राइमर अप्लाई करने के बाद प्राइमर एक लेयर होता है जो लेयर अच्छे से बना देता है हमारे चेहरे में, तो इसलिए हम प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर के बाद हम लोग फाउंडेशन, अगर मान लीजिए कम में आप मेकअप करना चाहते हैं, बस इतना सारा मेकअप नहीं है, आप सिंपल सा मेकअप करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा मेकअप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास मेकअप का कोई सामान नहीं है, बस हमारे पास क्रीम है, फाउंडेशन है और फेस पाउडर है, बस उतना ही है, तो हम उतना ही यूज कर लेंगे। पहले क्रीम, फिर पहले क्रीम यूज करेंगे, क्रीम के बाद फेस पाउडर, फिर अपना जो भी ये सब यूज करने के बाद फिर हम इसे अपना यूज करेंगे। ये मेकअप सेटिंग स्प्रे अगर आप सोच रहे हैं कि हमें लेना है कि हमारा मेकअप 24 घंटा टिक सके, तो ये दावा है मेरा 100% कि इसे आप यूज करने के बाद आपका मेकअप है जो 24 घंटा तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप किस ब्यूटी का ये खरीदिए और बहुत ही अच्छे से अप्लाई करिए चेहरे में, आपका चेहरा बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका मेकअप टिका रहेगा और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम इसे खोल कर देख लेते हैं, ये है कैसा, ये देखिए, एक यहाँ पे होल बना हुआ है छोटा सा, इसमें होल टाइप में है, और ये देखिए ये पानी टाइप का है। अब देखिए हम इसको निकाल लिए, और मान लीजिए हम आपको बता रहे थे कि ये हमारा चेहरा है, ये देखिए ये हमारा चेहरा है, इसमें ये देखिए हमारा चेहरा है, तो यहाँ से हम अपने चेहरे से इतना दूरी बनाएंगे, ध्यान से वीडियो में देखिए, हम अपने चेहरे से इसको इतना दूरी बनाएंगे ताकि इतना दूरी का अंतर रह सके, हम एकदम बिल्कुल भी अपने ऐसे पास, इतना पास ले जाके कभी भी चेहरे पर अप्लाई नहीं करेंगे, इससे हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, जो हम अपना मेहनत किया हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ऐसा गलती ना करें। आप वीडियो में समझिए वैसे अप्लाई करिए, इतना दूर बनाइए, इतना दूरी बनाइए, जैसे देखिए हमारा ये चेहरा है और चेहरा से हमारा इतना दूरी है, तो इतना दूरी बनाने के बाद इसको हम ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हम कुछ ऐसे अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद ये देखिए बिल्कुल पानी टाइप का है, बिल्कुल आपको पानी जैसा दिख रहा होगा, देखिए मेरे हाथ पे बिल्कुल भी दिख रहा है ना, इससे कोई नहीं है। अब हम इसे अप्लाई कर दिए, तो मान लीजिए आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो अच्छा वाला कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज करके इसको टैप टैप करके आप मिला सकते हैं चेहरे में, और इसको पंखे के सामने रख दीजिए, ये सूख जाएगा। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो
हम आपको ये उंगली है हमारा जो उंगली होता है, इस उंगली से हम इसको बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके अच्छे से चेहरे में मिला देंगे ताकि ये चेहरे में अच्छे से मिल सके। जब ये चेहरे में ऐसे मिल जाएगा हल्का हल्का कर देंगे, फिर इसके बाद बिल्कुल भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी इसको टच नहीं करेंगे। और देखिए ये कितना इसमें लाइट है, कितना अच्छा इसमें लाइट आ रहा है। ऐसे ही हमारे चेहरे में लाइट आएगा, बिल्कुल हमारा चेहरा एकदम ग्लो करेगा, एकदम ग्लोइंग हमारे चेहरे में एकदम जो होता है वो आएगा, बहुत ही अच्छा हमारा चेहरा लगेगा। इसलिए आप इसे अप्लाई करिए, मेरा यही सजेस्ट है। और इसके बाद हम इसको 5 मिनट तक पंखे के आगे बिल्कुल भी छोड़ देंगे सूखने के लिए, कुछ भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे अपने चेहरे के साथ, 5 मिनट तक बिल्कुल छोड़ देंगे इसको ताकि चेहरा हमारा जो अच्छे से पंखे के सामने सूख जाए। जब ये 5 मिनट के बाद, और ये देखिए अब जब ये सूख जाएगा हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे जब अच्छे से, तब इसे हम अपने चेहरे पर इसके बाद कुछ नहीं अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इसे ही छोड़ देंगे, हमारा जो मेकअप है वो 24 घंटा तक ही रहेगा और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अपना चेहरे पे यही यूज करिए, मेरा सजेशन मानिए। इस वीडियो में हमें अप्लाई करने का आपको डेमो दिखाए और ये समझाने का मेरा यही था कि आप इसी तरीके ये किस ब्यूटी का लीजिए और इसको यूज करिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन घंटा जो आता है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।